हादसे के वक्त बस में कुल 32 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में इससे कुछ दिनों पहले जवाहर सिलवासा रोड पर राज्य परिवहन निगम की दो बसें आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में लगभग 20 यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें पास ही के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं कुछ दिनों पहले नासिक में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई थी। इसमें एक प्राइवेट बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिसके बाद बस में आग भी लग गई थी। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस दुर्घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया था और साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा बीते 9 अक्टूबर को तड़के ठाणे के शाहपुर में स्थित एक पुल पर एक अज्ञात वाहन और निजी बस के बीच हुई टक्कर में कम 34 यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। घायलों में से 20 यात्रियों के सिर में चोट आई थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। यह सिलसिला यही नहीं रुका। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इससे एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया।